हम लोग का पहले क्या न्यून फ्लैशर लैम्प, न्यू क्या होता है, हैंड योर लेसर लैब। तो क्या होता है न्यून फ्लैशर लैब अब जानेंगे। तरह के आमतौर पर लाइट की जो क्रिएशन आमतौर पर लाइट की डेकोरेशन से कम वोल्टेज को लैंपों में सीरीज को जोड़ा जाता है। डेकोरेशन सीरीज से जोड़ा जाता है जिन्हें सीरीज लाइट कहते हैं। क्या कह रहा है कि आमतौर पर लाइटों की डेकोरेशन में कम वोल्टेज पर लैंपों को सीरीज में जोड़ा जाता है जिन्हें सीरीज लाइट कहते हैं। उसके सीरीज में एक छोटा सा बल्ब जोड़ा जाता है, उसके सीरीज में छोटा सा बल्ब जोड़ा जाता है। छोटा सा बल्ब जोड़ा जाता है। लेजर प्रकाश नहीं देता है लेकिन अन्य लैंपों को क्या लेजर प्रकाश नहीं देता है लेकिन अन्य लैंपों को सीरीज में स्विच का काम करता है। स्विच का अन्य लैंपों में
स्विच सीरीज का काम करता है। इन लैंपों में दो धातुओं की पत्तियां होती हैं। क्या इन लैंपों में दो धातुओं की पत्तियां होती हैं, एक स्टिक और दूसरा डायमेटिकल स्ट्रिप। ये स्टिक और दूसरा डायमेटिकल स्ट्रिप। क्या होता है, एक फिक्स होता है, दूसरा बायोमेडिकल स्ट्रिप होती है। जब सप्लाई दी जाती है तो द्विघातीय पत्तियां जब सप्लाई दी जाती है तो उसमें दो द्विघाती पत्ती लगा होता है, और क्या होता है, गर्म हो जाती है और उनका आपसी संपर्क टूट जाता है। आपसी संपर्क आपसी संपर्क टूट जाता है। जब गर्म होता है तो क्या होता है, हीट करने के बाद जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और जो धारा प्रवाह होते रहती है वो तो टूट जाती है और अन्य लैंपों की सप्लाई बंद हो जाती है। और जब आपसी सप्लाई टूट जाएगी तो क्या होता है, अन्य लैंप में जो सप्लाई जा रहा है वो भी बंद हो जाता है। कुछ सेकेंड बाद दूसरी पत्ती अर्थात बायोमेडिकल स्ट्रिप ठंडी होकर पुनः परिपथ को जोड़ देती है। क्या होता है, कुछ सेकेंड बाद दूसरी पत्ती Thank you.
क्या करा है, कुछ सेकेंड बाद दूसरी पत्ती अर्थात बायोमेडिकल स्ट्रिप ठंडी हो जाती है और पुनः परिपथ को जोड़ देती है, लैंपों को सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। लैंपों को सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है और सभी लैंप रोशनी देते हैं। ये झील में जाते हुए रोशनी देते हैं। हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होता है। ये जो है ये फिक्स स्ट्रिप है, ये फिक्स स्ट्रिप है, ये बायोमेडिकल स्ट्रिप है, ये जो है ये बायोमेडिकल स्ट्रिप है। यही आता न्यूरल फ्लैशर लैंप। क्या कह रहा है कि आमतौर पर लाइट की डेकोरेशन में कम वोल्टेज पर, क्योंकि वो सब बल्ब कितना होते हैं, इतना एक एक इंच या डेढ़ डेढ़ इंच का ये लाइट लगा होता है। तो क्या होता है ये कि जब कम छोटा छोटा बल्ब है तो उसको क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए। तो कम वोल्टेज चाहिए तो वो 12 वोल्ट तक का है शक्ति ग्रहण कर सकता है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, कम वोल्टेज पर इस सभी को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। सीरीज में क्या होता है कि लोड का बंटवारा हो जाता है, लोड डिवाइडेड हो जाते हैं एक दूसरे में। तो लैंपों को क्या कर दिया जाता है, सीरीज में जोड़ देता है, और जिसे क्या कहते हैं, सीरीज लाइट कहते हैं हम लोग।
जैसे हम लोग दीपावली में या कहीं पर शादी विवाह हम लोग जब डेकोरेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सीरीज लाइट लगा देते हैं ना, सीरीज बत्ती, तो वही होता है सीरीज लाइट। क्यों उसको सीरीज लाइट बोला जाता है? क्योंकि वो सीरीज में ही जोड़ा जाता है ताकि उसको लोड को कम कर सके, कम वोल्टेज पर वो जले। इनके सीरीज में एक छोटा सा बल्ब जोड़ा जाता है, ये बल्ब है और इसको छोटा सा बल्ब सीरीज में जोड़ दिया जाता है। कई बहुत सारे बल्ब सीरीज में जोड़ा जाता है। फ्लैशर प्रकाश नहीं देता है, इसके बीच में जो यहाँ पर फ्लैशर लगा होता है इसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है लाइट को, वोल्टेज को मैनेज करता है। फ्लैशर प्रकाश नहीं देता है लेकिन क्या करता है, अन्य लैंपों को सीरीज में स्थित करने का काम करता है, यानी कि अन्य लैंप क्या करता है, वो सीरीज में जोड़ने का काम करता है। इन लैंपों में दो धातुओं की पत्तियां होती है, देखिए दो धातु की पत्ती इसमें दिया हुआ है, एक फिक्स्ड होता है और एक पायरोमेटिकल होता है, यानी कि एक स्थायी होगा और दूसरा स्थायी होना है कि फूमिंग होगा, वो अपने कार्य के अनुसार वो घूमेगा। दूसरा मैंने बायोमेडिकल होता है, जब सप्लाई दी जाती है, जब इससे नीचे से जब सप्लाई देंगे न्यूट्रल और लाइन हम न्यूट्रल का, तो क्या होगा, एक पत्ती जो फिक्स पत्ती है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर क्या होता है कि उसको ब्रेक कर देता है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, जो परिपथ जो सर्किट पूर्ण हो रहा है वो परिपथ आधा अधूरा हो जाएगा, टूट जाएगा और बाकी जो लाइट्स में जो जाना है इसका करेंट वो नहीं जा पाएगा और वो रोशनी देना बंद कर देगी। तब क्या होता है, इसमें तो दो पत्ती लगा हुआ है, एक फिक्स्ड है और एक बायोमेडिकल है, तो ये जब टूट जाएगा तब क्या होता है कि कुछ सेकेंड के बाद ही जो यहाँ पर फ्लैशर लगा हुआ है उसकी मदद से कुछ सेकेंड के बाद ही जो ये बायोमेडिकल स्ट्रिप लगी होती है ये भी हीट होता है लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है। और क्या होता है, ये ठंड होने के बाद ऑटोमेटिक क्या है वो परिपथ को ऑन कर देता है, उससे करंट धारा प्रवाह होने लगती है और पुनः से वो परिपथ को पूर्ण कर देता है और लाइट रोशनी देने लगता है। और ये रोशनी कैसा देता है, झिलमिलाते हुए, जैसे तारा टिमटिमाता रहता है ना स्टार आकाश में, उसी तरह का देता है और परिपथ में फिर से वापस छोड़ देती है। लैंपों की सप्लाई मिलना शुरू हो जाता है, लैंप जो ये बल्ब लगे हुए हैं उसको सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा और सभी लैंप रोशनी दे सकते हैं। लेकिन कैसे रोशनी देगा, झिलमिलाती हुई रोशनी देगी। कैसा रोशनी देगा, ये झिलमिलाता हुआ रोशनी देगा। अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लैशर। फ्लैशर क्या होता है ये तो समझ गए हमने, इसको अब रब कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लैशर के बारे में। क्या है फ्लैशर, क्या होता है फ्लैशर ये जानते हैं। कह रहा है कि फ्लैशर भी एक वोल्टेज फ्लैशर को भी वोल्टेज उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी ही फ्लैशर को उतनी ही
वोल्टेज मिलनी चाहिए जितनी की सीरीज में लगे अन्य लैंपों को मिल रही है, अन्य लैंपों को मिल रही है, अन्य लैंपों को मिल रही है। यदि लैंप विभिन्न निर्धारित वोल्टेज के हो तो यदि लैंप यदि लैंप विभिन्न निर्धारित वोल्टेज के हो तो विभिन्न निर्धारित वोल्टेज के विभिन्न निर्धारित वोल्टेज के हो तो फ्लैशर की धारिता उस परिपथ में सबसे कम होनी चाहिए, उस परिपथ में सबसे कम होनी चाहिए। यानी कि यदि लैंप अलग अलग चार्ज के होंगे, अलग अलग लुक्स के होंगे, जैसे कि कोई गोल आकार का होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटी टाइप का होता है, तो उसमें जो फिलामेंट लगे होंगे वो भी अलग साइज के होंगे, गैस भी कुछ अधिक मात्रा में होगा, तो उसके लिए क्या होगा, लेजर की धारिता उस परिपथ में सबसे कम होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो सीरीज में जब टूटेगा तो एक जैसा लाइट देगा। फ्लैशर को संभवतः फेज में ही जोड़ना चाहिए, फ्लैशर को संभवतः यदि जैसा पसंद था जोड़नी चाहिए, यदि द्विघाती पत्तियां अंदर चिपकी हुई हो, यदि प्रेशर का अंदर चिपकी हुई हो, ऐसा प्रेशर को स्टेट करने पर पता चलता है कि ऐसा प्रेशर को टेस्ट करने पर ऐसा प्रेशर को टेस्ट करने पर पता चलता है मुझे
उसे बदल देना चाहिए। तीन लैंपों में तीन लाइनों में लैंप सीरीज में लगाए जाते हैं। तीन लैंप अगर तो क्या है कि इसको अब देखते हैं कि किस तरह से इसको सीरीज में जोड़ा जाएगा। तीन लैंप हैं, तीनों कैसे सीरीज में, कई एक लैंप हो सकते हैं, बहुत सारे लैंप हो सकते हैं, तो किस तरह से इसको सीरीज में जोड़ेंगे वो देखते हैं। जैसे 300 मेगा एम्पीयर का लगाया जाता है, क्या जैसे 300 मेगा एम्पीयर का लगाया जाता है। अब इसमें हम डायग्राम देखते हैं किस तरह से तीन लैंप को सीरीज में हम लोग जोड़ेंगे। ये लेंथ है आपका, और इस सपोज एक तीन लेंथ है, इसको किस तरह से बारी बारी से सीरीज में जोड़ेंगे ये देखते हैं। ठीक,
क्या है? आर नंबर। आर नंबर मतलब क्या हुआ? रॉ नंबर ए, रॉ नंबर ए। आर टू का मतलब रॉ नंबर टू। आर थ्री का मतलब रॉ नंबर थ्री। ये मतलब कैसे 300 मेगा एम्पीयर। वैसे कितना हो जाएगा? 300 मेगा एम्पीयर। ये है ना, ये फिर क्या है, ये लाइन हो जाती है न्यूट्रल। ठीक है, किस तरह से तीन बल्ब को, एक ही बल्ब का यहाँ पर हम चित्र देखें, लेकिन तीन बल्ब को सीरीज में जोड़ा जाता है तीन तरह से, रॉ एक, रॉ टू, रॉ थ्री, यानी कि सप्लाई एक, सप्लाई दो, सप्लाई थ्री, सप्लाई फोर। एक तो पहला से यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, फिर दूसरा सप्लाई हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक तो सप्लाई आया जो कि क्या हुआ, तीनों बल्ब को सीरीज में जोड़ा। फिर दूसरा सप्लाई क्या है, जो आप उससे वायर निकलेंगे तो दूसरा सप्लाई हुआ, फिर दूसरा बल्ब से निकलेगा तीसरा सप्लाई हुआ, चौथा बल्ब से निकला ये चौथा सप्लाई हुआ। इस तरह से सबको सप्लाई को क्या होगा, न्यूट्रल को न्यूट्रल में और फेज को लाइन को लाइन जोड़ेंगे, फिर लाइन को लाइन में और फिर न्यूट्रल को न्यूट्रल में, इस तरह से आगे जोड़ते जाएंगे। यही आपका हुआ सीरीज। और फिर क्या होगा, जब उस तरह से जुड़ते जाएगा तो क्या होगा, ये सभी में वोल्टेज का बंटवारा आपस में हो जाएगा। जब वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा तो क्या होगा, कम वोल्टेज या ज्यादा लोड लेगा तो क्या होगा, जब ज्यादा लोड लेगा तो क्या होगा, इसका वोल्टेज कम जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज कम जाएगा। यहाँ तक तो समझ जाओगे, फ्लैशर को भी वोल्टेज उतना ही मिलना चाहिए जितनी की सीरीज में लगी हुई लैंपों को मिलती है। इससे पहले जो हम पढ़े थे कि कैसे सीरीज में जोड़ा जाता है सभी लैंपों को, यानी कि सीरीज लैंप के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो फ्लैशर में जो उसमें जो फ्लैशर लगा हुआ होता है उसको भी उतना ही वोल्टेज चाहिए जितना कि सीरीज में लगा हुआ एक बल्ब को चाहिए। यदि लैंप विभिन्न निर्धारित वोल्टेज के हो, जैसे कोई उसमें सीरीज बल्ब है और उसमें कोई थोड़ा सा बड़ा या 5 वाट वाला लगा दिए या 1 वाट वाला लगा दिए, तो क्या होगा, उसको 0 वाट, 0 वाट में कितना होता है, 1 वाट के बराबर होता है। 0 वाट वाला क्या करेंगे, जब बल्ब उसमें लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें उसमें तो ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है और एम्पियर भी ज़्यादा लेगा, तो उसके अनुसार फ्लैशर की धारिता उस परिपथ में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको कम होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो सबसे ज़्यादा एम्पियर ले रहा है और एक कम ले रहा है, और जब दोनों को वोल्टेज अगर कम नहीं देंगे तो ज़्यादा वाला तो ज़्यादा नहीं ले रहा है लेकिन कम वाला को भी ज़्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, वो सीरीज में जोड़ने के बावजूद वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा और परिपथ को तोड़ देगा, ज़्यादा ही हो जाएगा तो क्या होगा, परिपथ को ब्रेक डाउन कर देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, थोड़ा कर देते हैं। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह रहा है 400 सीपी के प्रकाश स्रोत से पहला क्वेश्चन है कि 400 सीपी
प्रकाश स्रोत से क्या 400 cm से प्रकाश स्रोत से किसी पर्दे की दूरी 10 मीटर है, क्या है? किसी पर्दे की दूरी 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर है। यदि प्रकाश की किरणें पर्दे पर 40 डिग्री का कोण आपतित होती है, यदि यदि प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें यदि प्रकाश की किरणें 7 डिग्री का कोण पर आपतित होती है, तो प्रदीप्ति का मान ज्ञात है। प्रदीप्ति का मान ज्ञात क्या निकाला हमको? प्रदीप्ति निकालना है। प्रदीप्ति बराबर क्या होता है? प्रदीप्ति बराबर यानी कि ई बराबर क्या होता है? 1/d2 cos theta, ये होता है 1/d2 cos theta। ये तो आप लोग को पहले फॉर्मूला बता दे चुके हैं। तो कितना है? 400 cp, 400 cp कितना है हो जाएगा? 400/d2 मेरा कितना है? 10 स्क्वायर बोलिए बता दो। कितना हो जाएगा? ये तो 100 हो जाएगा, ये लेकिन 4 बार में कितना हो जाएगा? 2 लुई। प्रति मीटर है इसका। ये तो समझ में आ रहा होगा आपका। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रदीपण की गणना, किस तरह से प्रदीपण की गणना करते हैं ये जानेंगे हम लोग।